महाराष्ट्र में एमवीए के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली। टीएमसी सांसदों को सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ धरना जारी। ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग पर अड़े आम आदमी पार्टी ने किया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब मामले में संबंधित ईडी की शिकायत को किया खारिज। कहा, न अपराध न अवैध आय, मामला ही नहीं बनता। दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोर्ट में के कविता की पेशी। अदालत ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। पीलीभीत में पीएम मोदी ने की जनसभा। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। पीएम की रैली से पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी रहे गायब। सीएए पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कानून के खिलाफ 237 याचिकाएं। एससी ने 19 मार्च को सरकार से 3 हफ्ते में मांगा था जवाब। ड्रग्स तस्करी मामले को लेकर तमिलनाडु में 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी की रेड। इसमें पूर्व डीएम के नेता जाफर सादिक भी आरोपी। मोदी नहीं मुद्दे की बात होगी, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। बताया, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। चौधरी बीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में हुई वापसी। कल ही बीजेपी से दिया था इस्तीफा। जल्द ही कई विधायक भी बदलेंगे पाला। पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार कर सकते हैं राहुल गांधी। आरजेडी ने कांग्रेस से तेजस्वी संग रैली कराने की रखी मांग। अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की मौत। बीते महीने लापता हुए मोहम्मद अब्दुल अफराद का शव मिला। दूतावास ने दी जानकारी। गजा पर इसराइल की कार्रवाई पर नेतन्याहू बोले, सीज फायर की एक ही शर्त, हमास सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करे। कश्मीर मामले में सऊदी प्रिंस बिन सलमान की पाकिस्तान पीएम शहबाज को दो टूक। कहा, आपस में बैठकर सुलझाएं विवाद, ये शांति के लिए जरूरी। इमरान खान और पाकिस्तान फौज के बीच डील की खबर। अगले महीने जेल से रिहा हो सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद यूएस अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की रूस से अपील। रूस जापोरिजिया से हटाए सेना। कोऑपरेटिव बैंक के खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक। आरबीआई ने लगा दिए कई प्रतिबंध। नवरात्र के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। सोना पहली बार 71,000 के पार, जबकि चांदी का भाव पहुंचा 81,000 प्रति किलोग्राम। मोहाली में आज होगा हैदराबाद का पंजाब से मुकाबला। पंजाब को हराकर आईपीएल की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ सकती हैदराबाद की टीम। इस साल ईद पर सलमान खान की जगह अजय देवगन की फिल्म मैदान होगी रिलीज। आमतौर पर सलमान खान ईद पर अपनी फिल्म करते हैं रिलीज। दीप सिंह के वेब शो अम्रपाली में नजर आएंगे अंकिता लोखंडे। सामने आया अभिनेत्री का लुक।